नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी कुक शो। आज मैं अपने किचन में एक बहुत ही बढ़िया सा डिलीशियस आप लोगों को चीज बर्गर बताऊंगा। चीज बर्गर को आज मैं काफी डिलीशियस बनाऊंगा, आप इस रेसिपी को जरूर देखें। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो बन लिया है, देख लो आप, ये सिस्मे बन है, आप प्लेन बन का भी यूज कर सकते हो, ये मार्केट में इजिली मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग हाफ में शेप में काट लेंगे। ये देखिए मेरे पास नाइफ है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे काट लिया है काफी बढ़िया तरीके से। इसी तरीके से मैं दूसरा बन भी काट लूंगा। मैंने यहाँ पे दोनों बन काट लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे अमूल बटर का यूज किया है, इस पर हम लोग स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। देखिए तो आप देख सकते हो मैंने काफी बढ़िया तरीके से इस चारों बन पे अच्छे से बटर लगा दिया है। तो दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, एक पैन लिया है जिसको कि मैंने गैस पर पहले से चढ़ा दिया था, हमारा काफी गर्म भी हो गया है पैन। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बन है इसको बेक होने के लिए थोड़ा सा इस पे रख देंगे। देखिए इस तरीके से जब हमारा लाइट ब्राउन कलर का जब नीचे से हमारा थोड़ा सा पक जाएगा तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा काफी बढ़िया सा लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। तो हम इसे अब बंद कर देंगे गैस को और इसे उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा काफी लाइट ब्राउन कलर होने के बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। तो अब इसमें स्प्रेड करेंगे हमारा टोमेटो सॉस और रेड चिली सॉस का कॉम्बिनेशन, काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हो, ज्यादा नहीं। मैं यहाँ पे देखिए ये मेरे पास रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप का कॉम्बिनेशन है, हम इसमें हल्का सा स्प्रेड करेंगे। देखिए अगर आप पास मेयोनीज है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, इस पे हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। ये देखिए हमारे पास लेट्यूस है जिसको कि मैंने स्प्रेड श्रेडेड में काट लिया है, ये देखिए इस तरीके से। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे टोमेटो, वो भी श्रेडेड में कटा हुआ। देखिए उसके बाद कैप्सिकम, ये भी जूलियन से हमारा कटा हुआ। अगर आपके पास और रेड कलर या फिर येलो कलर का ये कैप्सिकम है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसका टेक्निकल नाम वहां पे हम लोग बेल पेपर्स बोलते हैं उसको, थोड़ा सा व्हाइट पेपर नहीं तो आप ब्लैक पेपर का भी वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक सॉल्ट की जगह व्हाइट सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों हमारा यहाँ पे ग्रेट किया हुआ मोजरेला चीज, चूंकि हमारा ये चीज बर्गर है तो आपको चीज तो बहुत सारा डालना ही होगा। ये देखिए तो मैंने यहाँ पे चीज भी डाल दिया है, बस हमारा फाइनल टच। तो आप देख सकते हैं उसी पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है। बटर को डालने के बाद ये जो मैंने सारे चीज ए टू जेड स्प्रिंकल किया है वो इस पे हम लोग रखेंगे इस तरीके से। देखिए सो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस ढक्कन की मदद से इसको हम लोग ढक देंगे जब तक हमारा चीज अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा चीज बढ़िया तरीके से बेक हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज यूज किया था इसलिए वो एक्चुअली वो इलास्टिसिटी होता है इसमें, अगर आप चेडार से यूज करते तो वो बढ़िया तरीके से मेल्ट होता, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो अब इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसका जो मैंने हाफ पार्ट बचा हुआ था इस पर भी मैंने टोमेटो केचप से स्प्रेड कर दिया है, इसके ऊपर देखिए इस तरीके से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स है ना आसान हमारा ये चीज बर्गर, कितना ईजी तरीके से बन गया हमारा चीज बर्गर। इसके जगह आप चाहो तो थोड़ा सा वेज पेटी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल चीज का यूज किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपको हर पार्ट नजर आ रहा होगा है ना, एक चीज भी, कैप्सिकम, टोमेटो, लेट्यूस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।